This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है? शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24th बैच के, जो कि एक एक्सक्लूसिव बैच है, इसके लेक्चर नंबर 5 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो प्रीवियस 4 लेक्चर्स में सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, तो आप लोग पूछ सकते हो। लेक्चर के स्टार्ट में ही आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। पूरी डोमेन का नहीं चेक करना, उस एग्जैक्ट यूआरएल का करना। आके आपका सवाल बहुत जबरदस्त है, जो हमने एनालिसिस करने हैं ना, वो उस एग्जैक्ट पेज के करना होते हैं जो कि रैंकिंग में आ रहा होता है, ना कि उस डोमेन के। क्योंकि डोमेन के तो डोमेन के तो बहुत ज्यादा मिलियंस में, ऑफ कोर्स मिलियंस में होते हैं ना। मेरी बात समझ आई? बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल है? ये सिर्फ आकिब का सवाल ही था आज का। ओके भाई। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1, जो विनिंग कीवर्ड के बारे में थी एक्चुअली, उसको आप लोगों को मजीद एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कैसे आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 को कंप्लीट करना है, यानी कि अपने विनिंग कीवर्ड तक कैसे पहुंचना है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आप लोगों को विनिंग कीवर्ड तक लेके चलूं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि SEM रश का गुरु अकाउंट, जिसकी वर्थ है $199 पर मंथ, वो आप जो है वो फ्री कैसे ले सकते हो फॉर 14 डेज, 14 दिन के लिए आप वो कैसे हासिल कर सकते हो। ये जो है ये जो लिंक है, आप जब इस लिंक से
एसईएम रश को ओपन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा, जिसमें आपको जो अकाउंट मिलने जा रहा है वो 14 डेज का ट्रायल अकाउंट, 14 डेज जो है वो गुरु अकाउंट 14 डेज के लिए आपको मिलने जा रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली कूपन कोड अप्लाई हो रहा है ये वाला, या आप ये कूपन कोड अप्लाई कर लो। जब आप एसएमरश में गुरु अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हो, एसएमरश का अकाउंट आप क्रिएट करते हो, उसके बाद गुरु अकाउंट को सेलेक्ट करते हो और चेकआउट के पेज पे आपने ये वाला कूपन कोड यूज करना है, आपको एसएमरश का जो गुरु अकाउंट है वो 14 दिन के लिए फ्री मिलेगा आपके कार्ड से। आपको कार्ड अपना अटैच करना पड़ेगा, लाइक मीजान का, बेंगल फ्ला का, इस तरह, ठीक है। अच्छा, वो आप जब अटैच कर लोगे तो उसके बाद आपको जो है $1 कटेंगे और वो भी तकरीबन 24 घंटे में वापस आ जाएंगे। तेरह दिन आपने यूज करना है और 13 दिन के बाद आपने उनको मेल करके support@smrush.com और अपना अकाउंट कैंसिल करवा देना है, अदरवाइज $200 ये डिडक्ट कर लेगा। फिर फायदा तो ना हुआ ना आपने जो एक इस्तेमाल करने के लिए जो है वो 14 डेज के लिए फ्री यूज करना था गुरु अकाउंट, तो वो फिर आपको चार्जेस पे करना पड़ेंगे, ठीक है। ये तरीकाकार आप लोगों ने अप्लाई करना है ताकि आप लोगों के पास अपना पर्सनल एसएमएस का अकाउंट आ जाए। तो उसके बाद आप लोगों को मैंने आरडीपी पे एक्सेस दिलवा दी है, इंशाल्लाह जब जब परेशानी आएगी साथ साथ सॉल्व होती जाएगी। अपनी तरफ से कोशिश यही है कि साथ साथ सॉल्व होती जाए। टेक्निकल चीज़ें हैं, बाद वक्त परेशानी आ सकती है कि जो एसएमएस का अकाउंट है आरडीपी के ऊपर वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। अच्छा, विनिंग कीवर्ड निकालने का तरीकाकार मैंने आप लोगों को बड़ा डिटेल में बताया, आज आप लोगों को शॉर्टकट वे बता रहा हूँ, ठीक है। आज आप लोगों को शॉर्टकट वे बता रहा हूँ कि विनिंग कीवर्ड तक कैसे पहुंचा जाता है। आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स को ये याद है, फुल फीचर होगा आके, फुल फीचर होगा। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स को याद है कि मैंने जो एक बेहतरीन कीवर्ड कहा था वो कितने लंबे कीवर्ड को कहा था? और कोई स्टूडेंट? ठीक है आकिब, आप सही लाइन पे लगे हो माशाल्लाह जी। और स्टूडेंट? ठीक हो गया, 7 to 9 वर्ड्स लॉन्ग। अब आपने क्या करना है, हमें चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, इतने लॉन्ग हो के 6, 7, 8 वर्ड्स लॉन्ग, 9 वर्ड्स लॉन्ग। हाँ जी, अब उसके लिए हमने क्या करना है, अथॉरिटी साइट्स की लिस्ट बना लेनी है, लाइक amazon.com, ebay.com, ehow.com, google.com। ये मैंने कॉपी
व्यू डिटेल्स। इस साइट कितने कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है? मिलियन कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है, ठीक है। कौन सी कंट्री में? यूएसए में। यहां पर यूएस आ रहा है। यूके में 8.8 मिलियन, कनाडा में 8.4 मिलियन, ठीक है। इतने कीवर्ड्स पे ये रैंक कर रही है, एक अथॉरिटी साइट है, ठीक है। ऐसे अथॉरिटी साइट है आपने 40, 50, 100, 200 निकाल लेनी है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि आपने ये जो ईद के दिन चल रहे हैं, इनमें जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा आपने असाइनमेंट कैसे बनानी है। आज का लेक्चर है ही हमारा विनिंग कीवर्ड के ऊपर, के विनिंग कीवर्ड तक जल्दी जल्दी आपने कैसे पहुंचना है, ठीक हो गया। आपने डोमेन सर्च करवाई, यहाँ पर आ गए और ये आपका आरडीबी पे एक्चुअली मैंने जो प्रीमियम अकाउंट है वो लॉग इन करके रखा हुआ, उसके बगैर ये काम नहीं होगा। यहाँ पर वॉल्यूम पे मैंने क्लिक किया, हमें कितना चाहिए था 2900 वॉल्यूम या प्लस, ये पहला फिल्टर हमने लगा दिया। ये फिल्टर लगेगा भी तब जब प्रीमियम अकाउंट होगा, अगर प्रीमियम अकाउंट नहीं होगा फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। एडवांस फिल्टर, सीपीसी ग्रेटर देन 0.99, एयर कंडीशन वर्ड काउंट ग्रेटर देन 5, अप्लाई। ये सारे वही फिल्टर लग रहे हैं जो हमें विनिंग कीवर्ड तक पहुंचा रहे थे। पहले 88 मिलियन थे ना, अब देखते हैं कितने कीवर्ड बाकी रह गए। 6.3K कीवर्ड्स, यानी के 6300 कीवर्ड्स रह गए हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट करते हैं, मैच करते हैं। कौन से क्राइटेरिया को? इस क्राइटेरिया का जो मैं विनिंग कीवर्ड क्राइटेरिया बताया था, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड है क्योंकि वर्ड काउंट में मैंने जो ये जो फिल्टर लगाया एडवांस वाला, इसमें जो वर्ड काउंट का मैंने फिल्टर लगाया उसमें ग्रेटर देन 5 बताया है, यानी कि 5 से ज्यादा लंबे कीवर्ड्स दिखाए। ये अब ये 6 वर्ड लॉन्ग है या ये 6 या 6 वर्ड्स लॉन्ग है, 6 से भी ज्यादा लॉन्ग है। यानी कि फॉर एग्जांपल कैपिटल 1 वेंचर रिवार्ड्स क्रेडिट कार्ड 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड्स कीवर्ड्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इनको मैं एक्सपोर्ट कर लूंगा एक्सेल। क्या किया मैंने? डाउनलोड कर लिया, ठीक हो गया। यहां से मुझे कीवर्ड मिल गया। अच्छा, सीपीसी पे मैंने क्लिक किया, मैं देखता हूँ हाईएस्ट सीपीसी कितना है अमेजोन के पास, यानी कि अमेजोन की साइट जो रैंक कर रही है, बेसिकली अमेजोन के पास नहीं, ये गूगल एडवर्ड्स का सीपीसी है और अमेजोन का कौन सा पेज ऐसा है कि जो रैंक कर रहा है जिसपे उसको इतना अच्छा सीपीसी मिल रहा हो, $191 के सीपीसी वाले कीवर्ड पे अमेजोन का ये पेज रैंक कर रहा है, $191 सीपीसी, समझ आ रही है? $170, $167, $130, $130 वन क्लिक पे इतना मिल रहा होगा। अच्छा, ये तो था विनिंग कीवर्ड तक जल्दी पहुंचने का रास्ता। एक और फिल्टर भी आप लोगों को समझाता हूं, उसके बाद आप लोगों को गोल्डन नगेट फार्मूला बताता हूं। हाई सीपीसी, लो सर्चेस,
हेलो सीपीसी। हाय सर। सी अब इसमें एक और फिल्टर आप लोगों को पहले दिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे 8 वर्ड्स लॉन्ग, 9 वर्ड्स लॉन्ग, इवन 10 वर्ड्स लॉन्ग चाहिए कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 वर्ड्स लॉन्ग चाहिए, मैंने लिखा 9, अप्लाई। मिलेंगे मुझे लाइक 2 कीवर्ड, 5 कीवर्ड, 10 कीवर्ड, 100 कीवर्ड, 200 कीवर्ड, मगर वो 10 वर्ड्स लॉन्ग होंगे। 73 कीवर्ड्स मिले हैं जी। कितने वर्ड्स लॉन्ग है? हाँ जी, कितने वर्ड्स लॉन्ग है ये कीवर्ड? मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्ड्स लॉन्ग है। एक्सट्रीम ऑनरशिप, हाउ यू एस नेवी सील लीड एंड विन, यानी कि ये कीवर्ड्स हैं जी, और ये एक साइट है जहां से मैंने ये निकाल कर दिखाया है। ठीक है, अब मुझे ये वाली मैंने एक्सपोर्ट कर ली फाइल, और मैं इनको अपनी रिसर्च में ऐड कर लूंगा। इसी तरह मैंने साइट यहाँ पर अमेजोन थी, मैंने यहाँ पर यूट्यूब कर दी। अब मैं यूट्यूब से सारे कीवर्ड्स जो है वो चोरी कर लूंगा, निकाल लूंगा जी। कितने कीवर्ड्स हैं? 81 कीवर्ड्स हैं जो 10 वर्ड्स लॉन्ग हैं। बाकी क्राइटेरिया भी बिल्कुल हमारे विनिंग कीवर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक है, यानी कि $1 सीपीसी और लॉन्ग टेल कीवर्ड और सर्चिस 2900 प्लस, सारी चीजें मैच करती हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ 9 की बजाय फिलहाल 5 कर रहा हूँ ताकि मुझे ज्यादा कीवर्ड मिले। ये 6 वर्ड्स लॉन्ग कीवर्ड्स हैं या 7 8 9, इस तरह के कीवर्ड्स होंगे जितने भी यहाँ पर हमें मिलेंगे। अब इसका सीपीसी आप देखो तो $191 है। कितने वर्ड लॉन्ग है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने गोल्डन नगेट फार्मूला की तरफ कि गोल्डन नगेट फार्मूला क्या है जो मोहम्मद फैजान खान यानी कि मैंने बनाया है आप लोगों को सिखाने के लिए। तो ये है जी हाई सीपीसी, जैसे कि ये $191। सीपीसी सर्चिस की लो है, फॉर एग्जाम्पल 5400 सर्चिस है। ठीक हो गया, सीपीसी का। हाँ जी, जो सीपीसी बताया होता है इसका 25% आप ध्यान में रखो, और जो सर्चिज होती हैं इसका 40% आप ध्यान में रखो। तो ये $191 का 25% कितना बनता है? जल्दी बनाओ कि हमें इतना पर क्लिक मिलेगा और इतनी ट्रैफिक हमें मिलेगी जी।
ठीक है, और 5,400 का 40% कितना हुआ? जी 5,400 का 40% कितना हुआ? ट्वेंटी वन सिक्सटी। ओके, फार्मूला ये है कि सर्चिज मल्टीप्लाइड बाय पर क्लिक कितना बनता है? 2160 को मल्टीप्लाई करो $103,140। ठीक है, इतना ही बनता है, इतना ही बनता है। ठीक है, हाँ, इसका भी 15% निकाल लो, 15% निकाल लो, तो मैं 15% मिलेगा, 15,000 हो गया। एग्जाम्पल है, ये रफ एस्टीमेट है, रफ एस्टीमेट। ठीक है, कि हमें एक कीवर्ड, कौन सा कीवर्ड, कीवर्ड भी आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वाला कीवर्ड जो है, इसके ऊपर अगर हम रैंकिंग करवाते हैं तो हमें गूगल एडसेंस में पर मंथ का, ठीक है, क्योंकि जो सर्चिज होती है ना वो पर मंथ पे डिवाइड होती है, पर मंथ का जो गूगल एडसेंस है उससे इस कीवर्ड के जरिए $15,000 एक कीवर्ड की रैंकिंग से हमें मिलेगा, एक कीवर्ड की रैंकिंग से। समझ आ रही बात की? ये फार्मूला है गोल्डन नगर फार्मूला, ये आप लोगों की नींदें बिल्कुल खत्म कर देगा। ठीक है, अब हम लो सीपीसी बट हाई सर्चिस वाले कीवर्ड की तरफ आते हैं। हम आ गए जी वॉल्यूम पे, मैंने क्लिक किया, इंशाल्लाह आप लोगों की नींदें जो है वो बिल्कुल वैनिश हो जाएंगी, वैनिश। इकाई दाई सैकड़ा, 1,000, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, मैं ये जो सामने आ रहा है कीवर्ड, मैं उसी को देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। उसका जो 5.02, ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, ये सीपीसी का 25% निकालो, सर्चिस का 40% निकालो, क्योंकि जो जो गूगल ने बताई होती है कि इतनी सर्चिस इसकी पर मंथ है, उसका 40% पहली तीन स्पॉट्स में डिवाइड होता है, उसका 40% पहली तीन स्पॉट्स को मिलती है ट्रैफिक उतनी मंथली। जी 5.02 का 25% निकालो, और टेन लाख का 40% निकालो, 10 लाख का 40%, चार लाख, ठीक है, फार्मूला ये बन रहा है।
जी 4 लाख को मल्टीप्लाई करो 1.25 से, क्या रिजल्ट आता है? आप लोगों की ना एसईओ की स्किल के साथ साथ मैथमेटिक्स भी तेज होगी। ठीक है ना। अच्छा, इसका 15% निकालो। $5 लाख का 15% जी ऐसे निकाले जाते हैं कीवर्ड, ऐसे इसको कहते हैं फॉरकास्टिंग, ऐसे फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। $5 लाख का 15%। ठीक है। अब आपने ये देखा, ज्यादा सीपीसी वाला कीवर्ड था, $191 था सीपीसी, उसका 25% निकाला, और बिल्कुल लो सर्चिज वाला कीवर्ड निकाला, और ये एक्चुअल कीवर्ड था जो मैंने आप लोगों को एसईएम रश में दिखा रहा हूं, वहां से मैंने आप लोगों को फार्मूला बनाकर दिखाया है। ठीक है, फार्मूला ये है, बट सीपीसी और सर्चिज मैंने रियल ली है, और फार्मूला भी रियल है। मैंने बिल्कुल लो लेवल पर रह के आप लोगों को एक कीवर्ड का रिजल्ट बताया है, एक कीवर्ड का, कि जब एक कीवर्ड रैंक करेगा तो आपको इतना गूगल एडसेंस में मिलता है, और ये भी बिल्कुल लो लेवल पे बताया है, बिल्कुल कम बताया है, 15% आप लोगों को बताया है, इतना होता नहीं, ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो ये एक कीवर्ड को रैंक करवाने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये होगा, ये है गोल्डन नगेट फार्मूला, इसको आप लोगों ने घोल के पी लेना है। ठीक है, इसके अंदर आपने अपने मर्जी के कीवर्ड डालने। अच्छा, अब आपकी जो असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 होगी ना, उसमें जो आप कीवर्ड फाइनल करोगे, यानी जो विनिंग कीवर्ड आपका बनता जा रहा होगा, 50 कीवर्ड आपने निकालने हैं, जो कीवर्ड आपका विनिंग कीवर्ड बनता जा रहा होगा उसके आगे आपने बताना भी है कि इससे मंथली कितनी अर्निंग होगी, जो गोल्डन नगेट फार्मूला है उसके मुताबिक। ठीक हो गया, ये जिस तरह से मैंने फाइनल रिजल्ट आप लोगों को दिखाया है, हर कीवर्ड के आगे उसका फाइनल रिजल्ट आपने लिखना होगा, जैसे मैंने आप लोगों को पूरा कैलकुलेट करके बताया। ये आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 का अपडेटेड वर्जन होगा। ठीक हो गया, ताकि आपको भी पता हो कि आप कितना कमाने जा रहे हो अपनी उस वेबसाइट के 50 कीवर्ड से। सेम नीच के होंगे तो आगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज आप सीख नहीं सकोगे प्रॉपरली। क्लियर है? ओके, फाइन, ठीक हो गया। अब इसको आप मजीद देखो कि जो आप लोगों को मैं आरडीपी पे बता रहा हूं, इसमें भी सिर्फ मैंने 2 साइटें बताई हैं, आपने लिस्ट बना ली साइट्स की। हाँ, ये इसको क्या आप बोलोगे कि आप दूसरी साइटों के रैंक्ड कीवर्ड्स को अपनी रिसर्च में ऐड करने जा रहे हो और विनिंग कीवर्ड के मुताबिक कीवर्ड्स निकालने जा रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात की? इस तरह हम अपनी मर्जी की नीच के अंदर रहते हुए जो साइटें होंगी उनको, उनके कीवर्ड्स हम निकालेंगे। ये तो हो गया अथॉरिटी साइट से कीवर्ड निकालने का तरीका कार। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक नीच ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्नी जो है सिलेक्ट कर ली, फॉर एग्जाम्पल ये मैं इस पे काम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये जो है ना साइट, जो
जितनी भी साइट होंगी पहले पेज पे, उन सब के कीवर्ड्स को मैं चोरी कर लूंगा। सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को चोरी करना। इस एग्जैक्ट पेज को मैं चेक करूंगा, एग्जैक्ट यूआरएल, ये वाला ऑप्शन चूज करना है, एग्जैक्ट यूआरएल। और यही काम आप AHRF में भी कर सकते हो, जो SEO का दूसरा टूल है। पहला टूल जो आप लोगों ने यूज करना है अपने असाइनमेंट बनाने में, वो SEMrush ही है। अगर आप 14 डेज का गुरु अकाउंट बना लेते हो तो ये बेस्ट है आपके लिए। आपके असाइनमेंट बहुत तेजी से बन जाएगी, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर में लॉग इन होगा, लॉग इन पासवर्ड आपके पास होगा, ठीक है? तो वो आप जल्दी जल्दी अपने असाइनमेंट बना लोगे। अच्छा, इसके बाद ये काम आप AHRF में भी कर सकते हो, उसमें भी इसी तरह के ऑप्शन है, सेम जैसे SEMrush में है, ऐसे AHRF में भी यही ऑप्शन है कि हम किसी भी वेबसाइट के कीवर्ड्स, जो रैंक कीवर्ड्स हैं, उनको देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी असाइनमेंट वर्क में ऐड कर सकते हैं, अपने रिसर्च में अपनी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब ये हमारी एक कंपेटिटर की साइट है, वहां से हमने कीवर्ड्स हमें मिल गए। इन कीवर्ड्स को हम अपनी असाइनमेंट में आप लोग ऐड कर सकते हो, यानी कि आपने अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स चोरी कर लिए, कॉपी कर लिए, ठीक है, ढूंढ लिए, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो, रिसर्च किया आपने, वहां से आपने निकाला है। तो ये एक जबरदस्त तरीकाकार है, अथॉरिटी साइट से कीवर्ड निकालने का मेथड उनके लिए है जिनको नीच की समझ नहीं आ रही, वो वहां से निकाल के और फिर वो जो कीवर्ड होगा उसकी जो नीच होगी उसके मुताबिक फिर बाकी कीवर्ड्स भी ढूंढता रहेगा, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गए दोनों मेथड विनिंग कीवर्ड तक जल्दी पहुंचने के, लाइक 4-5 दिनों में, 7-8 दिनों में आपकी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी और आप लोग भेजोगे। माशाल्लाह मैंने देखा है कि आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो, मुझे असाइनमेंट्स मिलती जा रही हैं, वन पार्ट टू वो मुझे मिल चुकी हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स की तरफ से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक साइड और ध्यान दिखाता हूँ। अच्छा, ये कीवर्ड मुझे मिला, फिल्टर वगैरह लगे हुए। अब मैं यहाँ फिल्टर, मैं जैसे आप लोगों को बताया था ना कि जितना बड़ा कीवर्ड होगा उतना हमारे लिए फायदा है। मैंने 10 का फिल्टर लगाया, ग्रेटर देन 10 का, ठीक है? जस्ट टाइम नाइन का लगा, ठीक है? अच्छा, ये कोई भी मैं कीवर्ड ले लेता हूँ, कॉपी नहीं हुआ। इसकी 33 केसी है, कीवर्ड कंपटीशन 33 है, मगर ये जबरदस्त कीवर्ड्स में से एक है। हाँ, ये विनिंग कीवर्ड तो नहीं बन सकता, मगर ये जबरदस्त कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड है। CPC इसका $3.35 है, ठीक है? 49,000 सर्चेज है और ये इतना लॉन्ग कीवर्ड है, 10 वर्ड्स लॉन्ग है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 वर्ड्स लॉन्ग कीवर्ड है और ये एक अच्छे कीवर्ड की निशानी है। जितना बड़ा कीवर्ड होगा लाइक 12 वर्ड लॉन्ग 13 वर्ड लॉन्ग 14 वर्ड लॉन्ग जितना लंबा कीवर्ड होगा उतनी जल्दी वो रैंकिंग में आएगा। यही बात आप लोगों को आज के मैंने इस लेक्चर में बतानी थी कि आपने अपने विनिंग कीवर्ड तक कैसे पहुंचना है और या नए कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं अपने नीच के अंदर रहते हुए या अथॉरिटी साइट के जरिए। ठीक है, केसी आपने मैन्युअली निकालना है, मैंने दूसरे और तीसरे लेक्चर में ये बताया हुआ है आके। ठीक हो गया, जो एसईएम रश केसी या कीवर्ड डिफिकल्टी बताता है उसको आपने फॉलो नहीं करना। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।